ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। आज के वीडियो में हम चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि की महिला जातकों के बारे में। वृश्चिक राशि के अंतर्गत जिन महिला जातकों का जन्म होता है, नैसर्गिक रूप से वो क्या अवगुण लेकर के जन्म लेती हैं, ज्योतिषी आधार पर क्या जीवन फल है, सामान्य गुण है उनमें वृद्धि का प्रयास करना चाहिए और जो अवगुण हैं उन पर नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए, यह जीवन में सफलता प्रदायक रहता है। आपकी जन्म कुंडली है उसमें देखें आप, यदि किसी भी भाव में चंद्रमा 8 अंक के साथ लिखा है, इसका अर्थ है कि आपकी जन्म राशि वृश्चिक है। यदि जन्म कुंडली नहीं है तो आपका नाम स्क्रीन पे लिखे इन अक्षरों में से किसी अक्षर से प्रारंभ होता है तो नाम के आधार पर आपकी राशि वृश्चिक बनती है। राशि चक्र की 8वें नंबर की राशि है वृश्चिक और इस वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल। ज्योतिष में मंगल को सेनापति माना गया है। मंगल ऊर्जा के कारक है, शक्ति के कारक है, साथ ही वो अहम भाव के भी कारक है, अहंकार के भी कारक वही हैं। तो ये गुणधर्म महिला जातक वृश्चिक राशि की जो महिलाएं हैं ऊर्जावान होती, एनर्जेटिक होती स्वाभाविक रूप से, ये स्वाभाविक गुण है उनका। लेकिन साथ में मन में अहम की भावना भी होती है तो ऊर्जा का सदुपयोग करने का प्रयास करना चाहिए और अहम भाव पर नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए, यह जीवन में प्रकृति कारक रहता है। वृश्चिक का अर्थ होता है बिच्छू। बिच्छू को देखें तो उसके आगे के भाग में विष नहीं होता है, उसकी शक्ति उसकी पूंछ के अंतिम छोर पर बने डंक में होती है। यही प्रभाव आपके स्वभाव में भी पाया जाता है। सामने से आप बहुत ही सरल दिखाई देती हैं, लेकिन यदि कोई आपके स्वाभिमान को चोट पहुंचा दे तो जैसे ही अवसर मिलता है आप पीछे से उसका बदला अवश्य लेती हैं। राशि स्वामी मंगल होने के कारण मन में स्वाभाविक रूप से ही काम भाव के प्रति झुकाव अधिक पाया जाता है। यही झुकाव पुरुषों के प्रति आकर्षण बढ़ाता है, लेकिन वृश्चिक राशि की महिलाएं पुरुषों को सही और गलत की परीक्षा करने में कुशल नहीं होती, प्रायः सही को गलत और गलत को सही समझ बैठती हैं। कई बार यह निर्णय बहुत नुकसानदायक सिद्ध होता है, इस मामले में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। वृश्चिक राशि की सभी महिलाओं को अपनी इस कमजोरी को विवेकपूर्वक समझना चाहिए, भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। विशेषकर अविवाहित महिलाओं को इस संबंध में विशेष सावधान रहना चाहिए। आप अपनी घर गृहस्थी के संचालन में बहुत कुशल हैं, कई बार इस कुशलता को कुछ लोग कंजूसी मानकर आपकी आलोचना करते हैं, लेकिन अपने परिवार पर खर्च करने में और जो आवश्यक है वह खर्च करने में कोई सोच विचार नहीं करती, इसलिए आपको कंजूस की अपेक्षा आपको मितव्ययी कहना अधिक उपयुक्त रहता है। सब कुछ होते हुए भी आप परिवार में अपने संतानों और पति के व्यवहार से पूर्ण आत्मसंतुष्टि का अनुभव नहीं कर पाती हैं। पति और पुत्र से सदैव किसी न किसी बात को लेकर शिकायत करती ही रहती हैं। इस परिस्थिति के मूल में आपके स्वभाव में अहम भाव की भावना है। इस अहम भाव के कारण छोटी छोटी बातें भी आपको बहुत आहत करती रहती हैं और आप शिकायत करती रहती हैं। अपने स्वभाव की इसी कमजोरी के कारण आत्मिक संतुष्टि नहीं मिल पाती है। शांति से बैठकर विचार कीजिए और अपने स्वभाव की इस कमजोरी को दूर करने का प्रयास कीजिए। यदि आप अपने इस प्रयास में सफल हो जाती हैं तो आपका जीवन पूर्ण रूप से सुखमय व्यतीत होगा। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से शिक्षा, सरकारी सेवा, राजनीति, चिकित्सा, खानपान और माइंस, इन क्षेत्रों से जुड़े कार्यों में आपको अच्छी सफलता मिलती है। आप किसी भी क्षेत्र में कार्य करें, आपको प्रत्येक क्षेत्र में विरोध और शत्रुता का सामना तो करना ही पड़ता है। संतोष की बात तो यह है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य करेंगी अपनी
जुझारू प्रवृत्ति के कारण उनमें मनचाही सफलता प्राप्त कर लेंगे और जो विरोधी होंगे उन पर विजय भी बहुत सहजता से आसानी से प्राप्त कर लेंगे। राशि स्वामी मंगल होने के कारण एक सैनिक की मानसिकता आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मूत्र संस्थान, गर्भाशय, पैर, कमर से जुड़े रोग होने की लाभ स्थिति में आपको सावधानी रखनी चाहिए। किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। नेत्र रोग की संभावना भी बनती है, इस और भी सावधान रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की कमी महसूस हो नेत्र ज्योति में तुरंत चिकित्सीय मदद लेना चाहिए। काल पुरुष की कुंडली से विचार करें तो वृश्चिक राशि अष्टम भाव में पड़ती है। अष्टम भाव से अज्ञात और रहस्य का विचार किया जाता है। यही कारण है कि आपके मन में किसी भी विषय में खोज करने की अत्यधिक भावना होती है। जिसके भी बारे में जानना चाहती हैं, अधिकतम जानने की कोशिश करती हैं। यह अधिकतम जानने की जो प्रवृत्ति है, ये कई बार विवादों का कारण बनती है। इस बात को आसानी से समझ लेना चाहिए। कई बार दूसरों की बात को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाती और यही बात विवाद का कारण बन जाती है। इस संबंध में आपको विवेक से कार्य लेना चाहिए। चंद्रमा आपके लिए बाधा कारक ग्रह बनते हैं। सोमवार को महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ करने से बचना चाहिए। मंगलवार को अगर आप कोशिश करें और प्रयत्न करें कि पूरे जीवन भर मंगलवार को श्री हनुमत के दर्शन का नियम ले सकें, प्रत्येक मंगलवार को निकटतम जहाँ भी जिस भी मंदिर में श्रद्धा हो वहाँ जाएं और श्रद्धा से भगवान श्री हनुमान जी के दर्शन का नियम बनाएं। मंगलवार के व्रत का नियम लें एवं भगवती दुर्गा की उपासना आपके लिए बहुत फल सुफलदायी रहेगी। हनुमान जी का नित्य मंगलवार को, प्रति मंगलवार को दर्शन नित्य कर सकती हैं तो बहुत अच्छा। मंगलवार तो करना ही चाहिए और उपासना की दृष्टि से भगवती दुर्गा ये बहुत फलदायी हैं आपके लिए। अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले अवरोधों से बचने के लिए नियमित रूप से किसी भी मंत्र या स्त्रोत्र के द्वारा गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। कार्यक्षेत्र में अवरोधों का अनुभव नहीं होगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के माने जाते हैं, अर्थात कमजोर होते हैं। चंद्रमा की इसी कमजोरी के कारण कई बार आपके स्वभाव में जिद, अहम भाव, दुस्साहस जैसे दुर्गुण पाए जाते हैं। ये दुर्गुण अधिक स्थान, अधिक जगह ना बना पाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मंगल के कारण निडरता का स्वभाव एक गुण के रूप में पाया जाता है, लेकिन एक सीमा के बाद यही गुण दुर्गुण बनकर के हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, बहुत आवश्यक है। हमें निडर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक सीमा तक, एक सीमा के बाद फिर निडरता घातक सिद्ध होती। ज्योतिषी आधार पर वृश्चिक राशि की महिलाओं का एक सामान्य जीवन फल है। जन्म कुंडली के या जन्म के समय के आधार पर जो दूसरे ग्रह हैं उनके प्रभाव के कारण इस जीवन फल में, सामान्य जीवन फल में परिवर्तन हो सकता है। मैं आप सबके सुखी और सफल जीवन की कामना करता हूँ। इसी के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।